फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक महिला को कितनी बार सी सेक्शन करा सकती है, एक महिला कितनी बार सी सेक्शन कराना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या क्या रिस्क हैं जो उसको हो सकते हैं मल्टीपल सी सेक्शन कराने की वजह से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिसीव हुआ था तो मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कितनी बार एक महिला सी सेक्शन करा सकती है? तो देखिए, सी सेक्शन अपने आप में एक मेजर सर्जरी है, ये कोई माइनर सर्जरी नहीं है, एक बड़ी सर्जरी है। कितनी बार महिला करा सकती है इसका जवाब बाद में दिया जाएगा, उससे पहले देखते हैं कि जो बार बार सी सेक्शन होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या रिस्क हैं या क्या क्या परेशानियां हैं जो हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि जहां पर सी सेक्शन का इंसीजन होता है, जहां पे कट लगता है, जो वो लाइन बनती है, वहां पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, और जितनी बार सी सेक्शन होगा जो लाइन बनेगी वहां पे मल्टीपल स्कार टिश्यू, बार बार स्कार टिश्यू डेवलप होंगे। अब स्कार टिश्यू क्या होते हैं? स्कार टिश्यू बेसिकली फाइब्रस बैंड्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, जो कि नॉर्मल जहां पर कोई टिश्यू होता है, जो एक नॉर्मल है, जब वहां पर कोई कट लगता है, कोई डिजीज हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसकी जगह बॉडी जो बनाती है वो एक फाइबर जैसा एक एरिया बनाती है जिसको फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, और इसको स्कार टिश्यू बोला जाता है। तो बेसिकली वो डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा एडहेशंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा थिक थिक से, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू भी डेवलप हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वहां पर जो है थिक थिक बैंड्स बन सकते हैं, यूट्रस आपस में चिपक सकता है। नेक्स्ट क्या एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ज्यादा होती है, जब सी सेक्शन किया जाता है तो उसके बाद जो है यूट्राइन रप्चर की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। यूट्राइन रप्चर मतलब जहां पे इंसीजन लाइन थी वहां से वो इंसीजन खुल गया, क्योंकि जैसे जैसे वूम बड़ा हुआ, प्रेशर पड़ा, तो वहां से इंसीजन खुल सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि स्टडीज में देखा गया है कि जब कोई महिला बार बार सी सेक्शन कराती है तो उसमें जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा के साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है कि बेसिकली जो प्लेसेंटा है वो आपके यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग है, जहां अटैच होता है, वहां बहुत अंदर तक हो जाता है, बहुत डीपली अटैच हो जाता है, और इसको निकालने में फिर बहुत दिक्कत होती है, और ये खुद से नहीं निकलता है, क्योंकि जनरली डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा खुद बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, डिटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग से, बट वो डिटैच नहीं होता क्योंकि वो बहुत अंदर तक होता है और बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेसेंटा नीचे सर्विक्स के मुंह को, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसको कवर कर लेता है। और क्या हो सकता है? प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकते हैं, मतलब प्लेसेंटा पहले ही खुद को डिटैच कर ले यूट्रस की लाइनिंग से, उससे क्या होगा, सडनली बच्चे के पास जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी, न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे थे, वो बच्चे के पास सही से एकदम से पहुंचने बंद हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा देखी जाती हैं तब जब किसी महिला के मल्टीपल सी सेक्शंस होते हैं, बार बार सी सेक्शन डिलीवरी होती है। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि ट्राई कीजिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इनिशियल, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब किसी के पहला सी सेक्शन हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम से जनरली वो खुद भी, फैमिली भी, क्योंकि डर लगता है कि कहीं वजाइनल बर्थ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो दोबारा सी सेक्शंस ही प्रेफर करते हैं। इवन डॉक्टर्स को भी लगता है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन सीरियस ना आ जाए, तो इसलिए सी सेक्शन ही डिलीवरी प्रेफर करते हैं। बट इसीलिए बोला जाता है कि ट्राई कीजिए कि आप अपना पहला सी सेक्शन ही अवॉइड कर सकें, जिससे अगर आगे कभी कराना भी पड़े तो फिर आप करा सकें, क्योंकि मल्टीपल सी सेक्शंस जब होते हैं तो इसमें ये सारे रिस्क होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अब जो क्वेश्चन है मेन वो ये कि भाई अगर कराना ही पड़े तो कितने कराए जा सकते हैं। तो देखिए, इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, स्टडीज में देखा गया है और जो बुक्स में लिखा है, बहुत जगह ये मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम एक महिला 3 सी सेक्शंस करा सकती है, उसके ज्यादा नहीं कराने चाहिए। आइडियली बोला जाता है कि बिल्कुल नहीं कराने चाहिए 3 से ज्यादा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां जहां महिलाओं ने
फोर सी सेक्शन कराए हैं, सिक्स सी सेक्शंस कराए हैं और उसके बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबकी बॉडी वेरी करती है। आपने देखा होगा कि सेम डॉक्टर ने सी सेक्शन आपका भी किया, आपकी फ्रेंड का भी किया, लेकिन जो इंसिजन लाइन आई है, मतलब जहां पे कट लगा था वहां का जो एरिया बना है, आपके एरिया में ऐसा हो सकता है कि बहुत मांस जैसा बाहर निकला हुआ है, बहुत मोटी लाइन बनी है, और जो दूसरा है उसके में पतली लाइन बनी है, जबकि सेम डॉक्टर ने सेम इंसिजन लगाया, सेम लेंथ का इंसिजन लगाया, जितना बड़ा लगाना था दोनों में सेम लगाया। ये इसलिए क्योंकि दोनों की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, दोनों की बॉडी में किस तरह का स्कार टिश्यू बनेगा कोई नहीं बोल सकता। तो सिमिलरली मल्टीपल सी सेक्शंस के बाद किसकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है। मैक्सिमम जो है 3 सी सेक्शन से ऊपर नहीं कराने चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया है कि उसके ऊपर जब सी सेक्शंस हुए हैं तो वो भी नॉर्मल हुए हैं, और इवन किसी का जो सेकेंड सी सेक्शन है उसमें भी प्लेसेंटा से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो जो रिस्क के बारे में हमने इनिशियली बात की थी वो इवन कुछ लोगों के जस्ट उनकी सेकेंड सी सेक्शन में भी आ गया है। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप अपना फर्स्ट सी सेक्शन ही अवॉइड कर सकें तो बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई ऐसी कंडीशन आए कि आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पाए। कभी कभी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि लोग इलेक्टिवली भी चूज कर लेते हैं कि सी सेक्शन करा लिया जाए। तो आप सोच समझ के लीजिए, रिस्क है डेफिनेटली, क्योंकि मेजर सर्जरी है तो रिस्क फैक्टर्स हैं। मल्टीपल बार जब होता है तो उसके रिस्क फैक्टर हर बार उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और अगर बार बार सी सेक्शन कराना भी पड़ रहा है तो आई थिंक 3 से ऊपर आपको सी सेक्शंस नहीं कराने चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।